शांति 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 भरथरी हरि वैराग्य शतक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं वैराग्य शतकम जो हमारे जीवन में विवेक वैराग्य का स्थापन करता है और हम सबके लिए परम आवश्यक है क्योंकि तो जब तक वैराग्य नहीं है जब तक अभ्यास नहीं है तब तक हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती है मन को भी नियंत्रण में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है राग रहित व्यक्ति जब होता है तो उसके सामने दृष्टिकोण होता है उसके सामने प्रकाश होता है और प्रकाश जहां है वहां अंधकार एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता अंधकार है तो प्रकाश नहीं है और प्रकाश है तो अंधकार नहीं है ज्ञान विवेक वैराग्य और उसका अभ्यास श्रीमद भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं जब अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है भगवान उपदेश उसको देते हैं लेकिन वो समझता नहीं है क्यों क्योंकि मन चंचल है कभी इधर कभी उधर क्या बात सही है क्या गलत है उसको विवेक जागृत नहीं हो रहा तो वहां भी उन्होंने इस बात के लिए कहा चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी ही बलव दृढ़ हम निग्रह मन ने वायु उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात करें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मन तो बड़ा चंचल है वायु के समान वेग वाला है इसको कंट्रोल करना ये बड़ा कठिन काम है संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास वैराग्य गृहते अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं अभ्यास और वैराग्य से जीवन को हम अच्छा बनाते हैं सच्चा बनाते हैं नहीं तो संसार में सब लोग फंसे पड़े हैं कहीं सुख नहीं है कुत्रपि कोपी सुखी नास्ती कोई भी सुखी नहीं है परंतु अभ्यास और वैराग्य से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं सबल बना सकते हैं निर्मल और उज्जवल बना सकते हैं तो दसवें श्लोक तक हमने स्वाध्याय किया था आज आगे बढ़ रहे हैं विषयों के त्याग की विडंबना जो विषय है ना वो जल्दी से त्यागे नहीं जाते मतलब त्यागने की कोशिश भी व्यक्ति को बार बार करनी पड़ती है बार बार उसको समझना पड़ता है कि ये क्या है क्या नहीं है तो वैसे ही यहां कहा है कि विषयों के त्याग की विडंबना कहा है न संसारोत्पन्न चरित मनुपाश्यामी कुशल विपाक पुण्यानाम जनयति भय मे विमृशता महाद्वि पुण्यो घई विषया महा जायते तुम विषय बहुत सुंदर बात कही है कि न संसार उत्पन्नम संसार उत्पन्नम चरितम कुशलम न अनुपश्यामी पुण्यानाम विपाक विमिशता में भयम जनयति महदि पुण्योगय चिर परिगृहता विषया महानता विषय व्यसनम दातुम जायंते कहा कि मैं इस संसार में फल कामना से उत्पन्न होने वाले कार्यों को संसार में जो उत्पन्न होने वाले कार्यों के जो है कुशलम श्रेयकर जो फल है न अनुपश्यामी नहीं देखता नहीं समझता हूं क्योंकि के परिणाम को विचार करते हुए भी मुझे अंत में चलकर विषयी लोगों के प्रति होता है क्योंकि महान पुण्यों के समूह को अधिक समय तक उपभोग करने के कारण महान विषय विषयासक्त पुरुषों को विपत्ति अर्थात दुख देने वाले के समान हो जाता है जो संसार का आकर्षण है वो यदि विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक कर्म का अनुष्ठान नहीं है तो उस कर्म के अनुष्ठान में भी व्यक्ति इतना फंस जाता है कि वो फंसता ही चला जाता है संसार उत्पन्नम चरितम अनुप्यामी न कुशलम मैं उसको कुशल नहीं समझता हूं क्योंकि इससे निकलना बड़ा कठिन काम है संसार की जो व्यवस्था है संसार का जो व्यवहार है इस व्यवहार में पारदर्शिता से वैराग्य से युक्त हो करके के भाव से निष्काम भाव से कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट का जब तक भाव नहीं आएगा तब तक इससे बचना मुश्किल है परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति तो संसार की जो ये व्यवस्था है ना वो पुण्य भी करे ना विपाका पुण्य नाम जनयति भयम में विमृषता लोग कहते पुण्य का मार है पुण्य का मार है लेकिन पुण्य के साथ साथ वो जो है आसक्ति भी जमा रहे हैं ठीक है ना मैं इतना पुण्य करता हूं मैं इतना हवन करता हूं मैं इतना दान करता हूं मैं ये करता हूँ वो करता हूं इतना जप करता हूं ये क्या है ये अहंकार है ठीक है तो जो लोग इस पुण्य के बहाने भी अहंकार जमा रहे हैं क्या कर रहे हैं अहंकार कि मैं तो बहुत अच्छा हूं मैं तो बहुत विद्वान हूं मैं इतना जानता इतने शास्त्र मैंने पढ़ा है पढ़ना अच्छा है पढ़ाना अच्छा है लेकिन इसको अहंकार इसका प्रदर्शन करना अच्छा नहीं है संसार में दान देना बहुत अच्छा है लेकिन दान दे करके जो है उसको जो है ढिढोरा पीटना अच्छा नहीं है।, है पहले लोग कहते थे अच्छा काम करो नेकी कर दरिया में डाल सुना है कहावत नेकी कर दरिया में अब क्या है नेकी कर फेसबुक में डाल हा? नेकी करो फेसबुक ट्विटर ये जो सोशल मीडिया है ना किसी जो है पशु को भी चारा खिला रहे रोटी दे रहे तो उसको भी फोटो खींच करके फेसबुक में डाल दिया कि मेरा नाम हो कि अरे अरे तो सेवा कर रहे हैं हाँ किसी भूखे को भोजन करा रहे किसी जो है निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं, तो भी प्रदर्शन करते हैं कि मेरा नाम आ जाए पेपर में नाम आ जाए फेसबुक में नाम आ जाए तो दुनिया को दिखाना क्या है दुनिया को दिखाना यह बहुत ही अच्छा नहीं इससे भय उत्पन्न होता है क्योंकि महान पुण्यों के समूह को भी अधिक समय तक उपभोग करने के कारण महान विषयाशक्त पुरुषों को विपत्ति अर्थात दुख देने वाले के समान हो जाता है दूसरों को भी दुख देते हैं जो सांसारिक लोग हैं और जो अनासक्त भाव से काम करने वाले उनको जो है दुख भी देते कोई अच्छा भी कार्य करे कोई अच्छा कार्य करे तो दूसरे उसको अच्छा कार्य करने नहीं। अरे तुम बड़े नंबर बनाने वाले आ गए अच्छा तो तुम ऐसा करोगे वो अच्छा भी करना चाहता है तो दूसरे उसको अच्छा नहीं करने देते हैं ये जो विषयी लोग हैं अगर वो किसी को कुछ अच्छी बात बताए तो उनका विरोध है इसलिए ये संसार ना संसार कुशलम मैं ये कुशलता नहीं देखता हूं क्योंकि ये दुख देने वाले हैं। इसलिए संसार में जो विषय हैं, विषय तो दुख देते हैं ना आ, मुक्तिम इच्छसी चेतात मुक्तिम इच्छसी चेतता क्या कहा विषयान विश्व त्यज यदि तुम इस संसार से मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो क्या कहा विषयों को विष के समान त्याग कोई व्यक्ति है और बोले ना क्या ये तो उसमें विष कहा आपको तो विष नहीं नजर आ रहा है सब आनंद सुख है जैसे कोई व्यक्ति जान बूझ कर कैसे खा नहीं सकता ना विष पी नहीं सकता तो वैसे ही आप इस विषय को इन जो है विकारों को विषयों के समान समझो विष के समान समझो विषयों को और इनको त्याग दो इनको छोड़ दो लेकिन ये मीठा जहर है स्वीट पॉइजन क्या ये स्वीट पॉइजन इसमें रस आता है राग में और ये राग व्यक्ति को मार देता है वैराग व्यक्ति को तार देता है ठीक है ना आगे क्या ये विषयों के त्याग में सुख है विषयों के त्याग में क्या है सुख है अवश्यम यातारा सिरतर त्वापि विषया वियोगे को भेदा त्यजति न जनो या स्वयंमून व्रजन्ता स्वातंत्र्यात् अतुल परितापा मनसा स्वयं त्यक्त्वाहे हेते श्रम सुखम विदधति कहा कि विषयाः चिरतम उषयित्वा अपि अवश्यम याता रहा जनयत स्वयं अमून न त्यजति वियोगे को भेदः स्वतंत्र यात मनसा अतुल परितापा स्वयं त्यक्तवा एते ही अनंत सम सुखम विदधति विषया शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं विषय कहलाती हैं शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं विषय कहलाती हैं विषय ये इंद्रियों के विषय किसके इंद्रियों आंखों का विषय रूप है कानों का विषय शब्द है नासिका का गंध है रसना का रस है, जीवा का रस रस है, है और त्वचा का स्पर्श है ये जो संसार में इन इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं सु माने इंद्रिया सुमाने क्या है और ख माने सुमाने अच्छा और ख माने इंद्रिया सुख ख माने क्या है इंद्रिया जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसको दुख कहते हैं ठीक है ना तो इन इंद्रियों के जो विषय है वो क्या है? यही तो है ना हम आंख बंद करके बैठे कहीं से कान में आवाज आ रही है अच्छी आवाज आ रही है बुरी आवाज आ रही है डरावनी आवाज आ रही या तो मन को शांत करने वाली आवाज आ रही है तो जो ध्वनि है वो हमको सुख भी देती है हमको दुख भी देती है जो स्पर्श है कोमल स्पर्श है तो सुख देगा और कहीं से कांटे चुभ रहे हैं तो दुख देगा है कि नहीं सुगंध दुर्गंध रसना में भी जो हमको अच्छा लगता है रस मीठा चरपरा खट्टा जिसको जो पसंद है हा? वो खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा है कि नहीं कोई गिलोय का काढ़ा जल्दी से पीना पसंद नहीं करता जबरदस्ती पिलाना पड़ता है और किसी को अच्छा लगता है कि नहीं ये तो वो उसके गुण को जानता है तो ये जो संसार का जो विषय है ये हमारी जो इंद्रियों को जो अच्छा लगे इंद्रियों को जो सुख देता है वो विषय कहलाता है और चिरतरम बहुत दिनों तक उचित्वा भोगे भोगने पर भी अवश्यम अवश्य या चले जाएंगे या जो जन मनुष्य अपने स्वयं अपने आप से अमून उन्हें न तेजती नहीं छोड़ता वह योगे अप छूट जाने को को भेदा क्या भेद है स्वतंत्र परतंत्र हो व्रजनता जाने पर मन को बेहद संताप होता है अपने आप छोड़ने पर यही अनंत सुख मानसिक जो है सुख देता है कहने का आशय क्या है संसार में जितने विषय हैं उन विषयों को हम कितना भोगेंगे कितना उनको कितने दिन तक भोगेंगे कितना उसमें मतलब कितनी क्वांटिटी में हम उसको चाहिए हमको जितना जितना हम सुख की कामना करते उतना उतना दुख भी मिलता है ना तो जो सांसारिक विषयों का बहुत दिनों तक उपभोग करने पर अवश्य चले जाएंगे अर्थात एक ना एक दिन हमको छोड़ देंगे जो मनुष्य स्वयं उन विषयों को नहीं छोड़ता स्वयं छूट जाने से क्या लाभ हम जानते हैं कि हमेशा तो ये रहेगा नहीं बताओ रहेगा क्या नहीं रहेगा तो हमको छोड़ देना चाहिए तेन त्युंजी तेन था कस्य हम जब जानते हैं कि ये जो है छूट जाएगा सब तो क्यों हम उसके पीछे पड़े जितना आवश्यक है उतना ही हम रखें जैसे कोई टिकट लेता है प्लेन की लेता है कोई ट्रेन की लेता है यात्रा करता है ना कोई बस की और जब कोई प्लेन में जा रहा है दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में एयरपोर्ट पर पहुंच करके जब उसको कहा कि आप उतरिए तो एक भी व्यक्ति ऐसा मन में नहीं करेगा कि नहीं 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 मैंने तो टिकट लिया इस प्लेन को भी अपने घर ले जाऊंगा बोलो रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार में व्यक्ति उतर गया और बोले कि नहीं अब ये ट्रेन भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा क्यों मैंने टिकट ली है भाई मन में आता है क्या कभी अगर मन में आ भी जाए तो क्या ऐसा संभव है क्या प्लेन में बैठा व्यक्ति बोले कि नहीं मैं इसको प्लेन को ले जाऊंगा टिकट लिया है तो लठ मार के बाहर कर देंगे करेंगे कि नहीं करेंगे सुरक्षाकर्मी करेंगे ट्रेन में बैठा नहीं टिकट लिया ट्रेन को घर ले जाऊंगा तो या तो तुम प्रेम से आ जाओ बाहर ये समझ लो कि भाई स्टेशन आ गए हमको उतर जाना है और नहीं तो धक्के मार करके उतार दिए जाओगे फेंक दिए जाओगे कौन सा अच्छा है उतर जाना क्यों हमने टिकट वहीं तक का लिया है ना <laughs> तो संसार में जितना टिकट हमने लिया है जितनी चीजों का जितना हम कर सकते हैं उतने में आनंद में रहें ठीक है ना नहीं तो संसार से दुख ही दुख मिलेगा कभी सुख नहीं मिलेगा इसलिए तेन त्यक्तेन माग्रधा का त्याग पूर्वक इसका करो। पूर्वक नहीं पूर्वक नहीं ये सब उसी परमात्मा का दिया हुआ है तुम चाह करके भी इसको संपूर्ण भोग नहीं सकते कोई व्यक्ति कितना जैसे कोई ये कहे कि नहीं मैं तो पूरा भोगूंगा कैसे करेगा है सज्जन लोग इसका त्याग क्यों नहीं करते स्वतंत्र हो जाने पर मन को अतुलनीय संताप के कारण होंगे परंतु स्वयं छोड़ देने पर अनंत सुख देंगे अतः इन्हें स्वयं ही त्याग देना उचित है स्वयं त्याग दीजिए जितना आवश्यक है उतना लीजिए जितना आवश्यक नहीं है उतना मत लीजिए नहीं तो दुख होगा होगा कि नहीं दुख आसक्ति में दुख होगा और आगे क्या कहा भोग की इच्छा का त्याग ये कठिन है जो भोग है उसका त्याग करना क्या है कठिन है ब्रह्मा जान विवेक निर्मल कुर्वन्त्यहो दोष्करम् यन्मुन्चत्युपभोगभाञपि धनम् एकान्ततो निष्पृहा सम्प्राप्तान्न पुरा सम्प्रति न च प्राप्तौ दृढा प्रत्ययान वांछा मात्र परिग्रहानमि परम त्याक्तूम नाशक्ता वयम् त्याक्तूम नाशक्ता वयम् बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्म जान विवेक निर्मल दुष्कर्म कुरंती आहो यत एकांतः निष्प्रिय उपभोग भांजी अपि धनानि मुंचति वयम् पुरा ना संप्राप्तानि नाचा संप्रति नाचा प्राप्तो दृढ़ा प्रत्यया वांछा मात्र परिग्रहानि अपि त्यक्तुं परम् न ज्ञान विवेक ज्ञान के विवेक से ज्ञान के विवेक से निर्मल धिया, शुद्ध हृदय वाले शुद्ध बुद्धि वाले शुद्ध मन वाले शुद्ध चित्त वाले ठीक है दुष्कर्म कठिन कार्य भी कर लेते हैं अर्थात ज्ञान के विवेक से जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वे शुद्ध हृदय वाले कठिन कार्य करते हैं जो अत्यंत उदासीन होकर जो है सुखों का भोग करते हुए भी धनों को त्याग देते हैं और महान आश्चर्य है कि हम पहले कभी धन को ना प्राप्त किए थे ना इस समय और ना आगे प्राप्त होने का भी दृढ़ विश्वास इच्छा मात्र से प्राप्त हुए वस्तु को भी त्यागने में अत्यंत असमर्थ है यद्यपि उनका त्याग ही श्रेयकर है संसार का कोई भी कार्य कोई भी कर्म इतना कठिन नहीं है यदि विवेक पूर्वक करते हैं ज्ञान पूर्वक करते हैं लेकिन यदि उस पर विवेक नहीं है तो फिर वह दुख ही देता है कष्ट ही देता है वस्तु व्यक्ति स्थान एक न एक दिन छोड़ना है छोड़ के जाना है लेकिन ये सरलता से त्यागा नहीं जाता सरलता से इसको छोड़ नहीं सकते सरलता से इसको जो है कि चलो समर्पित नहीं कर सकते अनकंडीशनल सरेंडर संपूर्ण समर्पण ये होता नहीं है नहीं तो हम कुछ लेकर के जाएंगे क्या संसार से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे लेकिन ये अत्यंत असमर्थता जाहिर होती है अत्यंत कठिनता से व्यक्ति इस संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से जो है अपना जो है आ, डिटेच करता है बड़ा कठिन है ये क्योंकि राग इतना है ना भोग की इच्छा है उसको पाने की इच्छा है कि बहुत धन हो बहुत संपत्ति हो बहुत व्यक्ति हमारे आगे पीछे टहले और जब हम आए थे तो क्या धन लेकर के आए थे क्या लेकर के आए थे क्या जाएंगे तो लेकर के जाएंगे क्या कोई भी वस्तु व्यक्ति कोई छोटा बड़ा कुछ भी ले जाएंगे क्या धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा पत्नी भी तेरा साथ देगी तक मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा स्वकर्म ही रह जाएगा तो सच्चे धर्म के साथ स्वकर्म का निर्वहन करना और भोग वृत्ति से बचना क्योंकि भोग की इच्छा बड़ी कठिन है ये छूटती नहीं जल्दी से ये जो भोग ही कोई भी वस्तु है कि नहीं ये मेरे पास रहनी चाहिए ये भोग ही है किसी भी वस्तु का जो लोभ धन का लोभ वस्तु का लोभ व्यक्ति का लोभ स्थान का लोभ नहीं मुझको ये कुर्सी मिली है तो मैं इस कुर्सी को ही पकड़ करके बैठूंगा कोई मेरी कुर्सी छीने नहीं लोभ ही तो है ये भोग की वृत्ति है भोग का जो है एक इच्छा है जबकि इस संसार से जाना है जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा कुछ लेके जाएंगे क्या मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा ये संसार की रीति है लेकिन मानते नहीं फिर भी वो लगता है कि नहीं ये तो हमारा ये जीवन नगर पूरा पूरा सब हमारी मुट्ठी में है ऐसा लगता है तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है आगे और हम चर्चा करेंगे अभी यहीं पर विराम लेते हैं ओ शांति शांति शांति